बी और ए कौन सा बताओ, 61। ये तो क्या हो गया बताओ, आधार। अब देखो प्रक्रिया, अब क्या है बताओ प्रक्रिया। प्रक्रिया ये है कि अगर मान लो कि राष्ट्रपति को हटाना है तो आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या देनी है बताओ, सूचना देनी। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देके ये बताना है कि भाई साहब आपके पूरे दिन आ गए, हम आपको क्या करने वाले हैं बताओ, हटाने वाले हैं। जितनी तैयारी है उतनी तैयारी कर लो, कितने दिन पहले सूचना देनी। उसके बाद में राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या लाया जाएगा बताओ, एक संकल्प लाया जाएगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या लाया जाएगा बताओ, एक संकल्प। और ये संकल्प कौन से सदन में लाया जा सकता है, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसका मतलब है लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। और इस संकल्प को अगर लाना है तो संकल्प लाने के लिए प्रोविजन है कि उस सदन के कुल सदस्यों का, उस सदन के लिए कुल सदस्यों का किसका का सिग्नेचर होना चाहिए, 1/4। ये तो केवल किसके लिए है बताओ, संकल्प लाने के लिए। अभी हटाने वाली बात नहीं है, अभी तो हटाने की अगर बात ही स्टार्ट करनी है किसी भी सदन में तो वो बात ही स्टार्ट तब होगी जब उस सदन के कुल सदस्यों के कितने का बहुमत होगा बताओ, 1/4। चलो मान लो कि 1/4 के बहुमत से किसी भी सदन में लाया गया। अब मैंने कहा कि बताओ कौन से सदन में लाया जाएगा, किसी भी सदन में। एग्जाम्पल लीजिए मेरे को, कौन से सदन में बताओ, यानी कि लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अब मेज की तरह मान लो, इसमें मेज की तरह क्या कर लिया जाए, माना की, माना की कौन से सदन से प्रक्रिया प्रारंभ करोगे, जिससे भी आपकी इच्छा है माना की उसमें प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते। माना की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ की जाती है, लोकसभा से बताओ। अगर लोकसभा से प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है तो आपको प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्यों का कितना क्या बहुमत चाहिए बताओ, 1/4। ये तो प्रस्ताव लाने के लिए, हटाने का संकल्प, हटाने का क्या लेके आ रहे बताओ, संकल्प। अब मान लो कि कितने सदस्य ने सिग्नेचर कर दिया और संकल्प लेके आ गए, उसके बाद भी लोकसभा का अध्यक्ष क्या बोलेगा कि ठीक है मैं इस संकल्प पे आपको चर्चा और परिचर्चा का क्या देता हूँ, समय देता हूँ। एक निश्चित समय तक चर्चा परिचर्चा तक लेगी, उसके बाद में लोकसभा का अध्यक्ष क्या बोलेगा बताओ, मतदान कर। उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष क्या बोलेगा बताओ, मतदान। मतदान में कैसा बहुमत चाहिए, अगर उस संकल्प को आप लेके आए थे अगर उसको पारित करना है तो कैसे पारित किया जाएगा, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से। कैसे बहुमत से बताओ, कुल सदस्यों, ये बहुमत याद रखना है, पूरे संविधान में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत केवल मात्र एक आर्टिकल में लिखा है, कौन से आर्टिकल में, 61। कौन से सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसने पारित कर दिया बताओ, लोकसभा। लोकसभा की प्रक्रिया क्या होगी बताओ, कंप्लीट। फिर कौन से सदन में जाएगा बताओ, दूसरे वाले सदन। यहाँ पे दूसरा वाला सदन कौन सा सदन बचिए बताओ, राज्यसभा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ये है कि जांच कौन सा सदन करवाएगा, दूसरा सदन। जांच उस राष्ट्रपति की जांच कौन करवाएगा, दूसरा सदन। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे दूसरे सदन का मीनिंग है जिस सदन ने प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की। अगर प्रक्रिया लोकसभा से प्रारंभ हुई तो जांच कौन करवाएगा, और प्रक्रिया अगर राज्यसभा से प्रारंभ हुई तो जांच कौन करवाएगा। जिस सदन से प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई उस सदन के द्वारा क्या करवाई जाएगी, जांच। अब मान लो कि या तो खुद सदन जांच कर लेगा या किसी आयोग या संस्था से जांच करवा लेगा, और जांच के बाद में पाया गया वो क्या बताओ, क्या पाया गया बताओ, दोषी पाया गया। अगर जांच के बाद में दोषी पाया गया तो लोग हमारी यहाँ पे सदन के कोई राज्यसभा के कुल सदस्यों का कितना बताओ, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या कर देंगे बताओ, पारित कर देंगे। जैसे ही कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा राष्ट्रपति की कुर्सी क्या हो जाएगी बताओ, खाद।